क्या हुआ, अभी काफ़ी लेट हो गए, मतलब मैं हमेशा ही लेट हो जाता हूँ। वो एक जगह पहुँचना था हम लोग को 7 बजे और अभी टाइम जो है वो 6:50 हो गया और अभी एक दोस्त को ऋषि को उठाना है घर से। लेट चालू हो गया ना? अच्छा होने वाला है, चलो होने वाला है, बच गए। ऐसा इंटरफेस कुछ ऐसा इंटरफेस है, शांत रहे। ये रहा पूरा इंटरफेस। तो फाइनली हो गया टिकट दो, ये रही टिकट्स। ये ऋषि अपना फोन पे चिपका रहता है। ये जादूगर के पास जादू की छड़ी तो होनी ही चाहिए। इस छड़ी से आपको हिप्नोटाइज, मेस्मराइज और आइज पैरालाइज कर दूंगा। जो मैं चाहूंगा वही होगा, वही होगा। जो मैं दिखाऊंगा आप वही देखेंगे, वही देखेंगे। और जो मैं बोलूंगा आप वही सुनेंगे, सुनेंगे। कामरूप प्रदेश और कामरूप प्रदेश का तिलस्मी घड़ा घड़ा भाई यही मटका चाहिए, यही मटका मायर खा जाना चाहिए। अंकल के मजे, अंकल के मजे। स्टॉप डिस्को मैजिक, मैजिक, मैजिक। Oh,
गजब खरगोश ऐसे नहीं थे। अब इसमें इसको लेटाएंगे क्या? कुत्ता भौंकता ना भौंकता इस बैठने में इस लड़ाई में मेरा आएगा वो भरी जाए।
तो आइए अपने मायाजाल के जहाज को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अपनी इस रहस्यमय दुनिया से अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों को आश्चर्यचकित करते रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं अपनी वो रहस्यमय दुनिया। नाउ यू सी द मिस्टीरियस वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड। ये पीछे से आया ये देखिए, जैसे ही वहां पे लेके जाएगा पीछे, ये देख जैसे ही पीछे लेके जाएगा हल्का सा देखना पूरा कवर कर लेगा नीचे से। वन टू ये देख आ गया, वन टू थ्री ये देख तुरंत आया। Alexander 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 यार यम तुला पण नाही ओय 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 वात रे गिर गया वो मोटी मारी मा मोटी अकेल हो गया।
अजूबा परेशान है ये तो डालूंगा मैं जी है? ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो एक्चुअल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो है यूएसए न्यूयॉर्क सिटी उसी का प्रतिरूप आपके सामने इस मंच पर खड़ा है जो एक्चुअल स्टैच्यू उसकी हाइट 151 फीट और जो आप इस मंच पर देख रहे हैं इसकी हाइट है 12 फीट इस स्टैच्यू को पीछे की तरफ से कवर्ड करने के लिए बड़ा सा फ्रेम लगा है और सामने की तरफ से कवर्ड करने के लिए हमारे पास एक पर्दा है तो प्लीज पर्दे को उठाया जाए इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से आधा स्टैच्यू दिखाई दे रहा है और नीचे का आधा स्टैच्यू इस पर्दे से ढका हुआ है आइए इस स्टैच्यू को हम और ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं और अब इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से स्टैचू का मसाल दिखाई दे रहा है जो दर्शक पीछे हैं उनको ऊपर से इसका सर भी दिखाई दे रहा है तो लीजिए इस स्टैचू को अब हम पूरी तरह से ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं ये क्या पर्दे की हाइट कुछ कम है और स्टैचू की हाइट ज्यादा है जब पर्दा ऊपर है हमें नीचे से स्टैचू दिखाई दे रहा है जब पर्दा नीचे है तो ऊपर से स्टैचू दिखाई दे रहा है मतलब साफ है कि इस पर्दे से स्टैचू को पूरी तरह से ढका नहीं जा सकता जनरली मैजिशियंस यही करते हैं कि किसी भी चीज को गायब करने के लिए पहले उसे एक पर्दे से ढकते हैं फिर वो पर्दा उठाते हैं वो चीज गायब हो जाती है लेकिन आज हमारे पास तो ये मौका भी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो पर्दा है वो इस स्टैचू से छोटा है इसलिए हमें इसे आपकी नजरों के सामने ही गायब करना होगा तो प्लीज पर्दे को वापस नीचे लाया जाए आप लोग जो स्टैचू देख रहे हैं इसे बनाने के लिए पहले हमने स्टील का जाल बनाया और सीमेंट कंक्रीट से पूरा ठोस और मजबूत किया गया फिर बाहरी फिनिशिंग यानी खूबसूरती देने के लिए इसमें फाइबर का इस्तेमाल हुआ फिर जो स्टैचू तैयार हुआ उसका वजन 530 यानी 530 किलो ऐसे आज हम आपकी नजरों के सामने ही गायब करेंगे Now you see menacing the Statue of Liberty in slow motion. Motion. चामुंडा भूत के फिल्म में नहीं है भाई अगर तू नहीं होता तो मैं बोर हो जाता आज अलग अलग देश के अलग अलग जादूगरों ने अपने अलग अलग प्रयोग किए किसी ने लड़की को टुकड़ों में विभाजित किया नाम दिया जिगजैग लेडी तो किसी जादूगर ने लड़की को अलग अलग आकृतियों में स्वरूपों में परिवर्तित किया नाम दिया ज्योमेट्री लेडी तो किसी जादूगर ने लड़की को पूरा सीधा खड़ा करके ऊपर से केवल सर को पूरा गोल चक्कर घुमा दिया और बोला जिगलिंग लेडी लेकिन आपका ये छोटा कलाकार इन सभी चमत्कारों को एक नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है वह देखते हैं इन न्यू क्रिएशन इन Thank you.
आपसे चेक कराने के लिए चाहेंगे कि आप दर्शकों के बीच कोई भी 16 से 60 साल के बीच की कोई लेडी ए लेडी आ जाए इस मंच पर इसे चेक करने के लिए, कोई भी आ जाए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी। अब इनने अपनी कम्युनिटी की तंग उठा दी। अब इनके हाथों पर टच करके देखिए, हाथ असली है, इधर फेस गालों पर टच करके देखिए असली इधर असली। अभी बोलेंगे 1, 2 और 3, जैसे 3 बोलेंगे आप लोग अपनी तालियों से हमारे ताल के साथ ताल मिलाइए और देखिए आगे होने वाले चमत्कार। 1, 2, 3 आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपना अगला प्रयोग। I don't really know what comes next, I'm just doing
so depressed.